ए बेटर, एक कप कॉफी लाना। ए श्श, बेटर इधर आ। ए पागल है क्या, तू ऐसे बुलाते है क्या? भैया इधर आना, मुझे एक कप कॉफी। भैया तीन कॉफी ही ले आओ। देख ऐसे प्यार से बुलाते हैं। मुझे क्यों डांटा, वो अंकल भी तो ऐसे ही बोल रहे थे। निया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? लेकिन इस बात का पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? मम्मी मेरी पहले टूट गई है, मैं ठीक करा जाओ। दिखा, जा ठीक करा गया। चलो जूता पॉलिश करो, बाकी का बाद में करना। मेरी पहले ठीक करो ना अंकल। पहले मेरी करो, इसके बाद में करना। अंकल पहले मेरी पहले ठीक करो ना। चलो पहले मेरा करो। नहीं अंकल, पहले मेरी करो। तो मुझे ऑफिस जाना, जल्दी मेरा करो। अंकल मेरी पहले करो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी मेरा करो। मुझे क्यों डांटा, वो अंकल भी तो ऐसे ही बोल रहे थे। निया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लगता है वो अंकल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। अंकल पहले मेरे बैठ ठीक करो ना। ये क्या तरीका है बात करने का? वो गाने वाले अंकल भी तो वैसे ही बात कर रहे थे ना। चलो जाओ तुम दोनों खेलने ग्राउंड में, छोड़ो ये, जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो यहाँ से जाओ।
अभी क्या हुआ तुम दोनों को? लड़ाई करके आए हो किसी से? वो ग्राउंड में कुछ बच्चे थे, उससे हमारा झगड़ा हो गया। तुम लोगों को कल क्या सिखाया था मैंने? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ये मतलब है बिकॉज ऑफ एजुकेशन का? नहीं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो तुमने सिर्फ सीखा, जो सीखा उसे अप्लाई करना है। ठीक है मम्मी, हम आपकी बात समझ गए, अब नहीं करेंगे आगे से झगड़ा। अच्छा अब मुझे समझ में आ गई, इंग्लिश की बुक को नंबर मैजिक बुक कहते हैं। अरे मेरी माँ, पूरा साल बीत गया अभी तक तुझे समझ में नहीं आया कि इंग्लिश की बुक को नंबर मैजिक नहीं, मैथ्स की बुक को नंबर मैजिक कहते हैं, क्या पढ़ेगी अब? ओके। तू ये बुक कहाँ लेके जा रही है? अरे भैया, मम्मी ही तो कहती है कि एजुकेशन का मतलब सीखना ही नहीं, जो सीखा उसको अप्लाई करना है, इसलिए ये किताबें मैं उस भिखारी लड़के को देने के लिए जा रही हूँ। हे राम, एजुकेशन का मतलब तू ये समझी है? हाँ अच्छा, मैं तो ये समझी हूँ। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, ये बातों का आंकलन अपने हिसाब से ही करते हैं। इन्हें एजुकेशन का मतलब सिखाना शायद उतना आसान नहीं है, लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे।